अभी दोस्तों एक हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाई थी अपने भट्ठे की, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि दूसरी वीडियो बनानी पड़ी है। तो लीजिए, योगी जी आ गए। और योगी जी महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं? देखो महिला, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्रेम करूं तो तुमको एक सन्यासन बनना होगा। यदि तुम सन्यासन बनती हो तो आई लव यू। देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। क्या कोई भाई अपने बहन से प्रेम नहीं कर सकता क्या? देखिए, इसमें हंसने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई प्रेम की बातें। अब उसके बाद में और क्या बातें करते हैं सुनिए। मिथुन चक्रवर्ती साहब, एक नेताजी की आवाज निकालूंगा और एक हीरो की आवाज निकालूंगा। मिथुन चक्रवर्ती साहब, अरे भाई, लाइक और शेयर करने का भी तौर तरीका होता है। जिस हिसाब से आप लोगों को बताया था कि बड़ा बड़ा ईटन निकाल के मुझे देना है, अगर उस हिसाब से काम नहीं करोगे तो दिहाड़ी तुम्हें भी नहीं मिलेगा और दिहाड़ी अपुन का भी नहीं मिलेगा। चूल्हा तुम्हारा भी नहीं जलेगा और चूल्हा अपुन का भी नहीं जलेगा और दुश्मन जल के लाल हो जाएगा। अब उसके बाद में नेताजी की बारी आई। लालू प्रसाद यादव जी, ए पगलवा, इतना कच्चा हमको बहुत पसंद आया है। ठहरो मत, हम कच्चा उतारेंगे नहीं, ना ही हम बुलडोजर चलवाएंगे। हम नेता नहीं है कि घर पे बुलडोजर चलवा दे। बात करता है, इतना तगड़ा धूप में आप लोगों के लिए लालू प्रसाद यादव वीडियो बना रहा है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करो। अगर इस गर्मी वाले मौके पे मुझे एक थमथम का बोतल मिल जाए तो लालू प्रसाद यादव का पूरा दुख दूर हो जाएगा। ये जो टूटा टूटा ईटा है, ऐसे हमारा दिल भी टूटा है तोरे प्यार में। भगवा बात करता है। अब एक हीरो की नंबर आ गई भाई, अब एक हीरो की आवाज निकालूंगा, जॉनी लीवर की। अरे देवा, कैसे बात करती तू, कैसे बात करती? मेरा छोटा छोटा बेटा एक को डॉक्टर बनाएगा, ये मेरा काली वाली बेटी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसको बहुत बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर बनाऊंगा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मेरी जिगर की चली, तो मेरे पास आ जा मेरे बेटे, आज तेरे लिए मैं ईंट का जहाज बनाऊंगा, मेरे को बहुत मजा आता है। ये हो गए जॉनी लीवर। अब और एक नेता की बारी आ गई, हमारे अखिलेश यादव जी। देखिए, जब उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था जिन मजदूरों के पैरों में हवाई चप्पल है, हम उनको हवाई जहाज से उड़ाएंगे। और जब इनकी सरकार आ गई तो उन्होंने हवाई जहाज ही बेच दिया। बताइए, एक तो हमारे दादा हैं बिना मूछों वाले और एक है मूछ वाले। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है या नहीं किया है? किया है। किससे प्यार किया है? अपने बीवी से। लो भाई, नई बात पता चल गई, इन्होंने अपने बीवी से प्यार किया है, मैंने तो किसी और के बीवी से प्यार किया है। अब इसके बाद में एक हीरो की बारी आ गई, नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, टेम्परेचर 44 है। उसके बाद मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो, ये जैसे ईटा टूटा हुआ है वैसे ये हमारा दिल भी टूटा हुआ है। हाँ, और ये देखो, ये जिस तरीके से काला हो गया है, ये पहले काला नहीं था, पहले ये सफेद था, लेकिन ये अंगोछा भी काला हो गया है धूप में काम करते करते। इस इंसान को देखो, ये पहले बहुत गोरा था, लेकिन ये मजदूरी वाला काम कर करके हम सब काले हो गए, इतने काले हो गए कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला अब लिखना नहीं पड़ रहा है। अरे ये काली क्यों नहीं हुई आज तक, यही बात मेरे समझ में नहीं आया। आखिर कौन सा क्रीम का इस्तेमाल करती है? ए आज तू मुझे बता, नहीं तेरी जान निकालूंगा। बता मेरे को, तू काली क्यों नहीं हुई? इसका सब कुछ गोरा है। ये देखो, गमछा भी इसका गोरा है और इसका गमछा भी काला है। इसीलिए हम कह सकते हैं भारत माता की जय, औरतें महान होती है। औरतों की इज्जत करना सीखो। अब फिर से नेता की बात आ गई भाई। अब रही बात नेता की, तो फिर से हम लालू प्रसाद यादव जी को लाते हैं। ए पगड़ा, ये जो कुर्ता का मजा है
ये जो पटरा वाला कच्छा पहने हो, चड्डी चड्डी चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर हर डिजाइन हर फ्लेवर की चड्डी। ये देखिए पार्टी भी चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी। ये हमारा डायलॉग काफी वायरल हुआ था बात करते। अब इसके बाद में एक हीरो को फिर लेकर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। अब शेर के खाल में छुपे हुए भेड़िए, मैं तो तुझे पहचान गया हूँ कि तू जरूर इसमें दारू का चखना लेकर आया है, तभी तो मैं सोच तू इतना तेज काम क्यों करता है। तू बता दे लल्लू कि इसमें क्या क्या लेकर आया है, कि दारू के साथ चखना या मोमबत्ती का पानी। मुर्गा तो नहीं ले रहा? हाय कहीं मुर्गा तो लेकर नहीं आया, सावन का महीना तेरा गर्दन काट के उड़ा दूंगा। तो दोस्तों ये सब रही हंसी मजाक की बातें। योगी जी कह रहे हैं देखिए यदि तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सिराज आसू बच्चन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब मैं जा रहा हूँ, एक मीटिंग करना है और गोलगप्पे खाने का भी मन है, और हम जा रहा हूँ अपने राबड़ी देवी के पास। भाई साहब मैं अमिताभ बच्चन, मैं भी जा रहा हूँ भाई साहब अपने बेटे अभिषेक बच्चन। शाहरुख खान से प्यार करता क्या कहते हैं? अरे तेरे से कितनी बार बोला रहा कि मेरे लिए ईंट उठा कर दिखा, लेकिन यार ये लोग काम चोरी करते हैं, कोई काम कहो तो ढंग से नहीं करते। अरे मुझसे पूछो यार, मुझसे फिल्मों में कितना काम लिया गया, कभी हीरो बना तो कभी विलन बना तो कभी कभी शराब पीकर मैं बोलने लगा हे पारो। अगर वीडियो को देख रही हो तो वीडियो को शेयर करो। अरे हमारा गोला पे तो कोई भट्टा है नहीं, सब साला ताबीज पहनता है। अरे तोरा गोला पे बहुत कंफ्यूजन है, आदमी का सर में दर्द हो गया तुरंत जाके मौलाना साहब के पास ताबीज बनाता है, अगर आदमी के अगर पैरवा में टेंशन हो तो जाके पंडित से ताबीज बनवाता है। अरे हमारा गोला पे तो कोनो ताबीज है ये नहीं है, सब साला मैं तो बतवाता है, ना तो कोनो डॉक्टर है। अब वीडियो को लाइक करा शेयर करा जा रहा हूँ। माँ कहती है कि वीडियो बनाया वीडियो को लाइक करो, ये ऋतिक रोशन का ईट है, मेरे पापा भी गंजे हैं, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं भी गंजा हो जाऊंगा, मेरे बाल बहुत जल रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अब फिर अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं? अक्षय कुमार ये शैतान लड़की, जब से देख रहा हूँ ये मजे ले लेके हंस रही है, कभी लाइक मत करियो, वीडियो को सब्सक्राइब मत करियो, बस हंसती रहियो। अबे दिस इज खिलाड़ी अक्षय कुमार यार, 1180 चत्ता मदन गोपाला। अबे सालो तुम लोग इतना सुसू करते हो, इतना सुसू लाते कहाँ से? मुझे तो नहीं होती सुसू। अबे ये ईट है, ये बाबू भैया का ईट है। अरे देवा रे देवा, ये बाबू राव गणपत राव ईट के सामने ये किसी का ईट नहीं चलता रे देवा, ये श्याम का बच्चा मेरा पूरा ईट का दुकान बेचेगा रे। है वो भैया, लगता तुम्हें बड़ों से बात करने की तविश नहीं है, है अंजलि, है अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाओ, तुम मुझे है ना, मेरा ईट खरीद लो माँ, इसमें बहुत ही तंदुरुस्त ईट है, अब जा रहा हूँ, अब कुछ शब्द नहीं मिल पा रहा है वो भैया, मैं जा रहा हूँ वो भैया।